सबसे बड़ा बात था कि घर में मतलब सबको मना के करना तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स मतलब उठाए थे कुछ कदम रखे थे कि अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है अगर ज़िंदगी में पिरामिड नहीं है तो मैं क्यों रहूँ ऐसे मैंने सुइसाइड अटेम्प्ट भी किया था ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है ये सम्बलपुर पूरा क्रिस्टल का जो पहाड़ है वहीं से आया गया है ये अपने आप में एक कहानी है उसको फाइव किलो पर उसको जब हम पकड़े थे मतलब बहुत हेवी लगा था मेरे को तो सर बोले थे आप उसको ध्यान करके उसके बाद उसको लगाना है पर मेरा घर का ऐसा ये था कि हम उसको पकड़ के ध्यान नहीं कर सकते तो मेरे को कपबोर्ड में छुपा के रखना पड़ा था नमस्कार सभी को आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल की इस शो पर जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम जानेंगे विश्व भर की लाखों पिरामिड की पीछे की कहानी तो चलिए आज चलते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की ओर ओडिशा जो कलिंग की नाम से भी जाना जाता है जहाँ पे राजा अशोक चंडाशुक से धर्माशुक में परिवर्तित हुए थे ऐसे ही एक ऐतिहासिक स्थान पर विराजमान है हमारी तत्वमसी पिरामिड तत्वमसी जिसका नाम ही विराट का आभास है तो चलिए आज जानते हैं तत्व तो तो पिरामिड के पीछे की कहानी उसके संस्थापक ममता जी से नमस्कार मैम नमस्ते हमारी इस शो पर आपका हार्दिक स्वागत है आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग पिरामिड की यात्रा के बारे में जानने के लिए चाह तो मैम आप पिछले चौदह साल से तेरह साल से ध्यान के साथ जुड़ी हुई हैं, ध्यान प्रचार का काम भी कर रही हैं और आपकी जो ध्यान की ऊर्जा है उसको पूरा भुवनेश्वर में फैला रहे हैं लेकिन जैसे कि आपको भी पता है कि पीएसएसएम में ध्यान के साथ साथ पिरामिड ऊर्जा का भी उतना ही महत्व है जितना ध्यान का तो थोड़ी सी हम पीछे चलते हैं और आप थोड़ा बताएँ कि पहली बार आपने पिरामिड कब देखा और जब आपने पिरामिड को पहली बार देखा तो आपको कैसा लगा पिरामिड हम स्कूल में पढ़ाई करते थे मिस्र का पिरामिड उतना मेरे को आइडिया था पर जब ऐसे एक, एक घटना घटी मेरे को मैं कॉलेज से आई तो देखी एक पैम्पलेट है कि इनाग्रेशन है पिरामिड का ध्यान का तो मैं गई थी वहाँ पे उनका पिरामिड इनागोरेसन था वो पिरामिड है तो वहाँ पे पूरा मतलब मैं वहाँ पे ध्यान की देखी उसके बाद मैं जब वहाँ पे ध्यान करने के बाद पहला दिन तो छत में ही ध्यान किए थे उसके बाद जो फोर्टी डेज़ का था उसमें मैं पिरामिड में ध्यान की थी फोर्टी डेज में मानो कि सारे एक्सपीरियंस मेरे को हो गए होंगे बड़े प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस होते थे कभी चॉकलेट्स का पहाड़ गिरता था झरना गिरता था कभी लाइट्स आता था तो ये सब में बहुत प्यारे लगते थे तब मेरे को एनर्जी क्या है वो चीज़ मेरे को मालूम नहीं था फिर धीरे धीरे एनर्जी क्या है मेरे को पता चला मतलब पहले तो बहुत अच्छे लगे मतलब कोई मास्टर्स आते मिले कि किसी का साउंड सुनाई दिया ये सब पहले होते चला फिर मैं डिसाइड की कि मैं कहीं भी रहूं तो मैं पिरामिड में ही रहूं तो मैडम वहाँ से आने के बाद आपको पिरामिड यूज़ करने के लिए कैसे आया दिमाग में मुझे करना है बोल के क्या ये थॉट आया आपके दिमाग में तो फिर आप पिरामिड के साथ कैसे जुड़े जब मैं पिरामिड में ध्यान करती थी तब पहले तो ये बोला गया था कि पिरामिड में ध्यान करने से आपको तीन गुना ज़्यादा एनर्जी महसूस होता है और उसमें भी वो जो स्पिरिचुअल रियलिटी एक जो सीडी था मैं वो सीडी ली थी वो मैं घर में ले आती थी एक घंटा ध्यान करती थी वहाँ पे और उसको मैं रात को तीन बजे उठ जाती जब सब कोई सोए रहते हैं तभी मैं उसको यूज़ करती थी और मैं ध्यान करती थी जब मैं ध्यान करती थी तब मैं महसूस करती थी कि पूरे मतलब मेरे सिर के ऊपर पिरामिड है मैं पूरे आकाश को पिरामिड बना लेती थी कॉलेज जाती थी सुबह तो बस में जाती थी तो मैं फ़ील करती थी कि मैं पिरामिड के अंदर ही हूँ तो जो पिरामिड का ऊर्जा को मैं मतलब पिरामिड में रहूं ना रहूं मैंने पिरामिड का ऊर्जा जो है उसको मैंने महसूस करने लगा तो मैंने जैसे जैसे उसको महसूस करने लगा तो ये एक अलग सा प्रेम है कि नहीं मेरे को पिरामिड ही चाहिए वो अंदर से क्या है वो उतना मैं भी नहीं जानती हूँ पर मुझे पिरामिड का प्रेम बहुत है आप मेरे घर में भी कहीं पे भी देखो मेरा हर जगह छोटा बड़ा सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पिरामिड ही रहा होगा पूरा घर में भी मैं चारों तरफ छत के चारों तरफ भी पिरामिड लगाई हूँ जैसे मैं पिरामिड में जब नहीं रहती थी तब पूरा लगता था मैं आकाश जो है पूरा आकाश पिरामिड का सेप में है तो मुझे पिरामिड से बहुत ही प्रेम है पिरामिड का वो पिरामिड मतलब पिरामिड का ऊर्जा से मुझे बहुत प्रेम है पिरामिड का ऊर्जा से जैसे लगता है कि हम पूरा मतलब एनर्जी को पूरा जो कॉस्मिक एनर्जी को हम ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पाते हैं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का आपका पुनः स्वागत है कहानी हर पिरामिड की में हम बात कर रहे हैं ममता दी से और गहराई से तत्वमसी तो तो पिरामिड के बारे में जानते हैं लेकिन मैम जैसे आप एक महिला है एक लेडीज़ है इसके बावजूद भी आप पिरामिड बनाने की सोच पाए आपको कैसे ऐसे आया मन में आपको ये नहीं लगा कि मैं क्या बना पाऊँ कोई डाउट नहीं आया आपका दिमाग में और आप कैसे सोच पाए कि हाँ ये मैं बना सकती हूँ बोल के पहला बात तो हम महिला जब ध्यान में आ जाते हैं तब तो हम और महिला बन के नहीं रहते हैं पर मतलब ध्यान का जो प्यास रहता है उसमें पिरामिड का भी और एक प्यास जुड़ जाता है तो अब मतलब पहले अगर ऑब्स्टेकल बोला जाए तो एक मतलब फीमेल हूँ इसीलिए ऑब्स्टेकल नहीं था मैं एक बहू हूँ इसके लिए मेरे को थोड़ा ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ा महिला के लिए मेरे को उतना नहीं हुआ था क्योंकि मैं खुद जॉब करती थी और मैं हमेशा से चाहती थी कि अपने पैसे से ही मैं पिरामिड बनाऊं और वही ईश्वर की कृपा से वही हुआ था तो वो जितना ये नहीं था बस घर में सब राज़ी हो जाएं सबको राज़ी करना ये बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए था तब कोई उसको पिरामिड को मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि वो तो डेड बॉडी रखा रखा जाता है उसमें ध्यान क्या करोगे ये करोगे तो कोई उसको मानने के लिए रेडी नहीं था और तुम घर में सबसे छोटी हो घर में बहू हो तो मतलब तुमको एक पिरामिड खुद का ये से पिरामिड का बात बोलो छोड़ो तुम एक घर बनाने के लिए भी चाहोगे तो तुम्हारा उतना ये नहीं रहता है पर जब तुमको ऑस्ट्रली हेल्प मिलता है तुम जब आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हो पूरा कदम उठा लेते हो कि कुछ भी हो जाए मेरे को पिरामिड ही बनानी है तब सारी सूभशक्तियाँ कैसे आके आपको भले ही आपको मतलब लगता है कि ये बहुत परीक्षा होता है क्योंकि मैं भी एक बार जब पिरामिड बनाई थी तब मेरे को तोड़ना भी पड़ा था तो धीरे 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 सब अनुकूल होते गया पिरामिड बन बन भी गया फाइनली मैं तो ऐसे सोचती थी कि मेरे को जो टू बाई टू पिरामिड मेरे पास था मैं नार सर को बोलती थी कि मेरे को आप ऐसे ही कुछ ये पिरामिड दे दो मतलब फ्रेम वाला पिरामिड दे दो मैं टेरास पे यूज़ करूँगी मनीष सर को मैं बोली थी कि जब फ्रेम वाला आएगा तो मेरे को फ़ोन करना पर तब तक हम घर ले चुके थे और तब तक में माइंड सेट हो गया था कि कैसे भी हो मेरे को एक कंक्रीट का बनानी है तो वो बन गया था मैम जब आप इसको बनवाए तत्व को जब आप बनवा रहे थे जब आपने शुरू किया इसका बनाना तो आपने कोई चैलेंजेस को फेस किया थोड़ा इसके बारे में बताएं एक्चुअली क्या होता है ना ये साधना का एक एक अंग होता है मतलब आप जाओगे आप बोलोगे कि मतलब जैसे आप खाना बनाओगे तभी जाके आपको खाना मतलब परोसा जाएगा फिर जाके आप खाना खाओगे वैसे ही पिरामिड बनाने से पहले मतलब आपको तो पैसा इकट्ठा हम तो उतने एस्टेब्लिश्ड फैमिली से बिलंग्स नहीं बिलंग नहीं करते हैं तो आ, मतलब पैसा जुगाड़ करना और एक रहना कि हम इतना इन्वेस्ट कर पाएंगे सेकेंड चीज है कि हमको कुछ आइडिया नहीं है कैसे बनाएंगे क्या करेंगे पिरामिड में मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो मिस्त्री भी अलग होते हैं तो बहुत काफ़ी मतलब मेरे को काफ़ी साल लगा है ए, एक दो दिन का बात नहीं है जैसे मैं बोली ना कि मेरे को एक बच्चा आने में जैसे नौ महीना लगता है वैसे तत्वमसी आने के लिए मेरे को नौ साल लगा है मेरे को अपने आप ऐसे हुआ कि कॉलेज छोड़ना पड़ा तो मेरे को कुछ एरियर वग़ैरह जो था वो मेरे को मिल गया फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जब बात किए तो कोई मतलब मेरे को ये हेल्प भी बाहर से मेरा भाई हो मेरा फ्रेंड सर्कल में हो मेरे को फाइनेंशियली भी लोग हेल्प किए हैं और सबसे बड़ा बात था कि घर में मतलब सबको मना के करना तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स मतलब उठाए थे कुछ कदम रखे थे कि अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है अगर ज़िंदगी में पिरामिड नहीं है तो मैं क्यों रहूँ ऐसे मैंने सुइसाइड अटेम्प्ट भी किया था उसके बाद से मतलब वो सब मेरे को जब मालूम था मैं कभी सुइसाइड नहीं कर सकती क्योंकि हॉस्टल मास्टर्स मेरे साथ इतना रहते थे मैं थोड़ा सा दुखी हो जाऊँगी या फिर आँखों से थोड़ा सा आंसू आ जाएगा तो मेरे को पूरा महसूस होता है कि मेरे चारों तरफ कोई है मेरा आंसू पोछ देते हैं मैं एक अलग सी आनंद में रहती थी मतलब एक सराउंडिंग मतलब घूमता रहता था एक हवा का एक झोंका मेरे चारों तरफ घूमता रहता था तो, तो मसी पहले जब तोड़ा गया तभी भी काफ़ी हॉडल है, सब कोई मतलब चाहेंगे मेरे को कुछ बोलने के लिए पर इतना ब्लेसिंग है मास्टर श्लोक का हॉस्टल मास्टर श्लोक का सब अपने अंदर ही चिल्लाते रहेंगे पर मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता था सब अपने आप में शांत हो जाते थे वही मतलब उपलब्धि है मैं जैसे बोलती थी बारिश आ रही है आप काम शुरू करो पूरा मतलब आधा किलोमीटर या फिर 200 मीटर से पहले बारिश आएगा पर मैं बोलती हूँ मैं यहाँ चेयर डाल के बैठती हूँ देखना यहाँ बारिश नहीं होगा तब बारिश नहीं होता था तो ये सब आस्ट्रली सपोर्ट बहुत वीला है मेरे को और उसमें जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो अपने आप में बहुत खास है उस संबलपुर से मतलब वो अपने आप यहाँ पर आया है वो पूरी में लगने वाला था तो मेरे को भी ऐसा ये था कि मैं सुनी थी वो जो स्पिरिचुअल रियलिटी है ना तो उसमें मैं सुनी थी कि एक क्रिस्टल लगानी है पहले तो निहार सर बोले नहीं क्रिस्टल लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है पर मेरा माइंड सेट चल रहा था नहीं मेरे को क्रिस्टल लगानी है उसमें क्योंकि मैं सुनी थी क्रिस्टल जो है वो एनर्जी को सर्कुलेट करता है उसके बाद बात किए तो मेरे को मनीष सर का एड्रेस दिए मनीष सर से बात किए फिर ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है ये सम्बलपुर पूरा क्रिस्टल का जो पहाड़ है वहीं से आया गया है ये अपने आप में एक कहानी है उसको है फाइव किलो पर उसको जब हम पकड़े थे मतलब बहुत हेवी लगा था मेरे को तो सर बोले थे आप उसको ध्यान करके उसके बाद उसको लगाना है पर मेरा घर का ऐसा ये था कि हम उसको पकड़ के ध्यान नहीं कर सकते तो मेरे को कपबोर्ड में छुपा के रखना पड़ा था जब मैंने उसको उठा के जिस दिन लग रहा था जब मैंने उसको उठाया तो वो बहुत हेवी था फिर जब मैं इसे उसको सीढ़ी में लेते गई तो वो पूरा फूल जैसा हल्का बन गया था फिर उसका मतलब जब हम लोग का पिरामिड कंप्लीट हो गया था एक बार जो ग्रुप मेडिटेशन चला था पहला ग्रुप मेडिटेशन में लक्ष्मी मैडम करके हैं तो वो उन मतलब उनको ये मैसेज हुआ उनको दिखाई दिया कि वो आदित्यनाथ जी हैं लंबा दाढ़ी था वाइट कलर का और मतलब वो इस पिरामिड का संचालित करते हैं और ये सत्य भी है तभी मैं नया नया जब ध्यान कर रही थी तो मैं बोलती थी कि आप उनको गाइड करना तो वो लोग अपने घर में रहते थे पर वो महसूस करते थे कि उनके पास में कोई दाढ़ी वाला साधु बैठा है ऐसे एक ही मतलब एक साथ दो तीन जन को हुआ मेरे मम्मी एक बार आई थी अपनी मम्मी तो वो जैसे ध्यान करने बैठी तो उनके सामने पूरा वो पूरा दाढ़ी एकदम लंबा दाढ़ी पूरा नीचे तक रहेगा वो उनको दिखाई दिए तो बहुत लोगों को वो दिखाई दिए हैं किसी के सिर के ऊपर हाथ का पूरा स्पर्श मालूम होता था और पहला तो जब हुआ मैं तो ध्यान में बैठ नहीं पाती थी मेरे को पूरा सांसों का आवाज़ आती थी कि कोई जैसे लगता था कोई सांस ले रहा है पास में चारों तरफ पूरा ये टाइल्स लगाया हुआ था टाइल्स गिराया हुआ था लेकिन पूरा जैसे लग रहा था कि पूरा क्लीन है और कोई चारों तरफ घूम रहे हैं एक बार पिरामिड का में मैं पत्री सर का भी प्रेजेंस को फील की हूँ पूरा बहुत लंबे होके वही ड्रेस पहन के नया नया का बात बोल रही हूँ और जैसे वो निकल के गए और किसी किसी के ऊपर जो आके बैठते हैं तो पूरा उनके ऊपर पूरा बारिश होता है समझ में आता है साउंड्स बहुत आते हैं नया नया जब हुआ था तो किसी को मतलब एक जन को हम छोड़ के चले गए किसी और के घर उनको ध्यान के ये में दिखाने के लिए एक मैडम को बिठा के चले गए थे तो ऐसे उनको महसूस हुआ कि बहुत सारे बुक्स आके वहाँ पे गिर गया और अभी भी आपको रात को 12 बजने के लिए आपको पता नहीं मतलब आपको देख नहीं पा देखने का जरूरत नहीं है घड़ी का या फिर मोबाइल का मास्टर आना जाना से आपको पता चल जाएगा कि रात बज रहा है मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कहानी हर पिरामिड की तत्तु पिरामिड के बारे में और जानते हैं ममता जी से तो मैम जैसे आपकी तत्तु बन गई फिर आपने इसको एक सेंटर डिक्लेयर कर दिया फिर ध्यानियों की यहाँ पे आना जाना लगा रहा होगा तो यहाँ पे जो ध्यानी आते थे उनकी अनुभव के बारे में थोड़ी सी बताएं। जो भी खींचे हुए आए हुए हैं वो जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं मतलब उनका एक अलग अलग एक्सपीरियंस सब है उनका एक अलग अलग विश्वास है सत्संग चलता रहता है एक बार एक लेडी आई थी तो वो अभी घबरा गई मतलब उनको मैं सत्संग करा रही थी और उनका बारे में जानने के बाद मुझे मेरे को पता चला कि वो कितने बड़े मास्टर हैं तो अचानक से लाइट ऑफ हो गया और पूरा लकीर खींचा गया रानी कलर का एक लकीर बहुत ज़ोर से खींचा गया जब वहाँ खोली तो लाइट फ्यूज हो चुकी थी पर वो मैडम जो है वो घबरा गई थी पर उसके बाद वो जब घर गए तो उनको एक बहुत बड़ा बंदर दिखाई दिया उनको महसूस हुआ कि उनके बालकोनी में उनके चारों तरफ कोई जैसे चल रहा है घूम रहा है तो थोड़ा घबराई गई मैं बोले इसमें घबराने का कोई ये नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ वो कौन से मास्टर हैं पर सबकी अलग अलग इच्छाएँ हैं वो मतलब और बहुत सारे जो भी नए मास्टर्स आएंगे तो पता चल जाता है मैं तो पत्रिसर को भी महसूस की हूँ मतलब पतंग के रूप में पता चलता है कि आपको आके आपके गाल में ऐसे बैठेंगे प्यार करेंगे वो जाने के बाद वो मास्टर जाने के बाद पता चलेगा और एक मतलब मास्टर्स आई थी जब और एक मास्टर्स आई थी जब मैं यहाँ पे सोफे पे आके बैठी तो मेरे सिर के ऊपर पूरा छः सात एंजल महसूस हुए थे तो कोई मास्टर्स ध्यान करने आते हैं तो तत्वोमसी बहुत खुश होते हैं और खुशबू बहुत खुशबू मतलब क्या बोलो जब पहले बन रहा था तब तो पहली बार मेरे को जब चंदन का खुशबू आया था ये इसी तत्वमसी में ही आया था उसके बाद मेरे को बाहर से मतलब चंदन का खुशबू आई एक घंटा तक मैं मेरे बच्ची को बोलते रही मतलब किचन तक आए किचन में भी हम छत से किचन तक आए किचन में भी वो खुशबू और बाहर से कोई आता है तो उसको भी मतलब चंदन का बहुत खुशबू आती है यहाँ पे जो मास्टर्स आते हैं वो जब घर तक जाते हैं अब उनके घर तक भी चंदन का खुशबू आता है हम जिसके साथ घर भी जाते हैं मतलब ध्यान करवाने के लिए उनके घर में भी भी मतलब चंदन का खुशबू आता है तो लगता है कि तत्व साथ में आया हुआ है मैम बहुत सुंदर आपकी तत्व के बारे में सुन के मुझे तत्व की ऊर्जा को यहाँ पे फील भी कर रही हूँ मैं लेकिन थोड़ा सा और बताएं जैसे आप बोल रहे थे कि जब तप्तमसी तो बन रही थी या बनवाने से पहले कंप्लेन था ऑब्जेक्शन था आपकी परिवार में ये जो बन गया तो उसके बाद इसका प्रभाव आपकी परिवार में कैसा आया आपने तो बता ही दिया कि आपके आसपास में इसका प्रभाव क्या हो रहा था लेकिन आपके परिवार में इसका प्रभाव क्या आपने लक्ष्य किया सबके अंदर जो प्रेम है वो दिन को दिन में देख रही हूँ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ते ही गया है सब अपने आप अनुकूल होते गया जैसे पहले मैं ध्यान करने के लिए मतलब मेरे सास ससुर हैं तो मैं ध्यान नहीं कराऊंगी अभी मैं राहुलकला भी जाती हूँ तो घर में बैठ के ध्यान कराती हूँ पहले सोचती थी हस्बैंड घर में हैं मैं कैसे किसको बुलाऊं ध्यान के लिए तो अपने आप ये सब स्थितियाँ अनुकूल होते गए आप मतलब रिच और ये क्या है? उसका फोकस मैंने उतना ये नहीं की हूँ पर फाइनेंशियली आप क्या इस्टेब्लिश होते हो उसके उसके ऊपर मैं उतना नहीं करती हूँ पर आस्ट्रली जो आपको प्रेम मिल रहा है आपको जो सूक्ष्म रूप से जो हेल्प मिल रहा है वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए वो सब में दिन को दिन बढ़ते गया है और यहाँ पे कंजुका लाइफ बहुत अच्छा रहता है मैं देखी हूँ मेरे फैमिली में जो वनडेज है वो बहुत अच्छा हुआ है पिरामिड आने के बाद और यहाँ यहाँ पे कोई भी जुड़ता है तत्वमसी में तो उनका भी कंजुगा लाइफ जो है उनका जो बंडिंग है वो बहुत मजबूत होता है मैम अब आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पिछले तेरह साल से इसे ध्यान कर रहे हैं पिरामिड ऊर्जा के ऊपर काम कर रहे हैं पिरामिड शक्ति को अपने अपनी रोम रोम में आप फील कर रहे हैं अपने जीवन में लोगों के जीवन में फील कर रहे हैं आगे आपकी क्या विजन है आप क्या करना चाहते हैं बस प्रेम से ही रहना है प्रेम फैलाना है आपके अपने आप आप जितने पिरामिड में रहोगे पिरामिड के ऊर्जा आपको जितना मिलेगी आपको जागरूकता उतना ही बढ़ेगी आपकी फ्रीक्वेंसी उतने ही फैलते रहेगा आपको मतलब आश्रली आपको मतलब आपका जो कनेक्टिविटी है आप यहाँ तक सीमित नहीं हो इस शरीर तक आप सीमित नहीं हो आप बियड कुछ अलग से हो वो आपको पता चलेगा और आपको मतलब सारे इतना कि आपका सगी संबंध है आपको ये फिजिकल आँख से जितने दिख रहे हैं सिर्फ उतना ही आपकी संबंधी है वो नहीं है या फिर ये संसार में आप पहले से बहुत पहले से भी किन्हीं सूत्रों से किन्हीं मास्टर से आप जुड़े हुए हो वो आपको पता चलेगा जैसे हम रामपा जी को ऐसे फिजिकल ये में हम नहीं जानते हैं हम आपको भी नहीं जानते हैं तो आपको और हमको जोड़ने का काम किसने किया है ये पिरामिड ही तो किया है तत्व तो मसी ही तो किया है इतने सारे लोग जो कोई अपने है नहीं पर अपनों से भी बढ़कर हैं ये कैसा है ये प्रेम कैसा है ये एक जो अनकंडीशनल लव का जो रहता है अनकंडीशनल प्रेम जो बहता है ये एक तत्वमसी के मतलब सिर्फ तत्वमसी नहीं सारे पिरामिड के बारे में बोल रही हूँ ये एक पिरामिड के थ्रू से ही आपको पता चलता है थैंक यू थैंक यू सो मच मैडम थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपकी ये मातृत्व का एक अलग झलक आज आपसे बात करते करते मुझे महसूस हुआ जैसे माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहती है वैसे आप जैसे एक जगत माता जैसे मुझे महसूस मे, हो रहा है आपके भीतर कि आप चाहते हैं कि हर हर मनुष्य में वो जो तत्व है जो परम तत्व है वो विराजमान हो विकास हो हर जन के अंदर वो जो कॉन्शियसनेस है उसकी विकास हो ये जो भावना आपके भीतर है ये बहुत ही अद्भुत है मैडम थैंक यू सो मच